वी आर हैविंग परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विथ टार्पुलिन दैट कवर्स ऑल द फोर साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार. पांच फेसेस यानी कि उसने कवर करने हैं, फोर साइड्स हैं और टॉप को कवर करना है. विथ द फ्रंट फेस एज अ फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल एंड देयर फोर नेग्लिजिबल. स्टिचिंग मार्जिन्स नेग्लिजिबल, इग्नोर करने हैं, उनको काउंट नहीं करना है. हाउ मच टार्पुलिन शुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाई 2.5 विद बेस डायमेंशंस 4 मीटर बाय 3 मीटर. डायमेंशंस आपको गिवन है जो कवर बनाना है 4 मीटर बाय 3 मीटर और हाइट आपको गिवन है 2.5 मीटर. और जो हमने कवर बनाना है उसने 5 फेसेस ओवरऑल कवर करने हैं, 4 साइड्स हैं एंड 1 क्या है टॉप. तो दिस विल बी इक्वल टू एरिया रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप या टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ बेस. बेस ठीक है, माइनस एरिया ऑफ बेस होगा अगर एड कर रहे हो कर्व्ड सरफेस एरिया में, एरिया ऑफ टॉप एड होगा. नो डाउट कि दोनों हालांकि वैल्यूज सेम आएंगी बट लिखने में भी जो कंसेप्ट है दैट शुड बी क्लियर टू यू. माइनस आपने एरिया ऑफ बेस करना है टोटल सर्फेस एरिया अगर लेके चल रहे हो, और एड आपने क्या करना है एरिया ऑफ टॉप अगर आप कर्व्ड सर्फेस एरिया लेके चल रहे हो. लेटरल वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे कर्व्ड, क्योंकि अगर आपका जो लेते हो जो भी सॉलिड गिवन है उसमें कोई कर्व्ड पोर्शन होता है देन वी यूज टू यूज कर्व्ड. अदरवाइज नॉर्मल मतलब हम यूज करते हैं दोनों में, बट साइड्स जहां पे आ गई वहां पे आप लेटरल वर्ड यूज करो. हाँ जी, डायमेंशंस लिखिए सबसे पहले क्या क्या गिवन है. हाइट ऑफ द कवर 2.5 मीटर. बेटे बीच में ना अभी भी बोलने की आवाज आ रही है एंड आई गेट डिस्टर्ब्ड ड्यू टू दिस. आप उठो वहां से, लास्ट बेंच वेकेंट है वहां जाइए. हाँ जी लेंथ एंड ब्रेथ 4 बाय 3. निकालना क्या है आपको, टार्पुलिन रिक्वायर्ड कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप. कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर इनटू हाइट. This is your H, this is L, and this is B. Put the values, get your answer. So this you are to. This is your homework part. You will complete this yourself. Now moving on to cylinder surface area of right circular cylinder. Formulas इसके already मैं आपको बता चुकी हूँ. क्या फॉर्मूला होता है curved surface area का, 2 pi r h, and where r is the radius, h is the height, and the total surface area is 2 pi r into r plus h. So, ये दो फॉर्मूले जो हैं आपके यहाँ पे यूज होंगे. Now, starting with the exercise 13.2, question number 1. ये हो गया, नोट डाउन कर दो इरेज. Question number 1. The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. अब क्या क्या गिवन है हमें, हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है एंड वी आर गिवन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. दो चीजें गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर. फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. तो गिवन लिख लोगे पहले, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट फोर्टीन सेंटीमीटर. यूनिट्स सेम है,
So what is the formula for curved surface area of cylinder? 2 pi r. H rough figure बना लोगे साथ में. Height हम h given है हमें 14 centimeter. Diameter हमने निकालना है. So this is 2 pi r h is equal to 88. 2 r diameter निकालना है तो 2 r ले लेते हैं यहाँ पे ये हमने निकालना है. Pi into 14 is equal to 88. 2 r is आप चाहो तो r निकाल के बाद में उसका डबल भी कर सकते हो जैसे आपको इजी लगे. पाई अब इन एक्सरसाइजेस में जहां पे आपको पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ब्रैकेट के साथ नहीं गिवन है यू आर टू टेक इट एज 22/7 गिवन होगी जो तो आप उसको वही लेके चलोगे. सो 2r यानी कि डायमीटर हम निकाल रहे हैं इसलिए मैं ये 2 उधर नहीं लेके गई हूँ. तो दिस इज 88/22/7 इंटू 14 दिस इज कैंसल्ड बाई 4 7 R is equal to 1 या diameter is equal to 2. मैंने calculation part अपना save किया तो मैंने 2R is equal to 2 यानी कि diameter निकालना था तो diameter is equal to 2 centimeter. आपको जैसे easy लगे you can do. आप R equal to 1 निकाल के फिर diameter भी निकाल सकते हो so that is your choice. यहाँ बेशक लिख लो डायमीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यहाँ 2R तो आपको याद रहेगा. क्लियर कंफ्यूजन तो नहीं है 2R इक्वल टू 2 मैंने आंसर कैसे दिया है. सो इज इट डन. इफ एनी डाउट इन एनी स्टेप यू कैन आस्क. चलें आगे क्वेश्चन नंबर 2. चलो लास्ट बॉय स्टैंड अप. आर यू हैविंग द बुक विद यू. ओके टेल मी व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू आर टू फाइंड आउट. क्वेश्चन नंबर 2. इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 meter एंड बेस डायमीटर 140 centimeter फ्रॉम अ मेटल शीट. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम. क्या गिवन है और क्या नहीं. लेट हिम टेल बेटा लेट हिम टेल. आर यू स्टिल राइटिंग. हाँ जी क्या क्या गिवन है. हाइट एंड बेस में क्या गिवन है. बेस पूरा गिवन है. हाँ जी बेस में बेस क्या है. बेस तो सर्कुलर हो गया. सर्कल गिवन है हमें. बेस के आगे भी एक वर्ड लिखा हुआ है क्या है वो. बेस के बाद क्या लिखा हुआ है. डायमीटर. तो इट मींस यू आर गिवन दिस 140 सेंटीमीटर एज डायमीटर. ठीक है तो क्या क्या गिवन है आपको. हाइट गिवन है और डायमीटर गिवन है. सबसे पहला काम क्या चेक करते हैं. यूनिट्स सेम है या नहीं है. आर दी सेम. क्या करेंगे. लेट हिम टेल बेटा लेट हिम टेल. और कोई आंसर ना दे. क्या करेंगे. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है क्या आएगा. 140 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स. मेरे को जो भी बच्चा आंसर बोल रहा है ना यहां तक सुन रहा है उसको बोलने दो. पेपर में आप लोगों ने नहीं बताना उसको. 1.4 मीटर और सेंटीमीटर मीटर. अब मैं यहां क्या लिखूं बताओ मुझे. हाइट किसकी बेटे. हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक. दिस इज 1 meter डायमीटर 140 सेंटीमीटर दैट इज 1.4 मीटर. कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं. चलिए आगे क्या निकालना है.
क्या स्क्वायर मीटर, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। स्क्वायर मीटर ऑफ शीट मतलब क्या निकालना है। मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एरिया का। इट मींस आपको एरिया निकालना है। अब एरिया निकालना है में हमें चेक करना है वेदर वी आर टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। स्टेटमेंट में क्लियर कट आपको गिवन है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक मींस टोटल सरफेस एरिया। सो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, उससे पहले मुझे एक और स्टेप क्या करना है, आर निकालना है। वेरी गुड। रेडियस कितना आ जाएगा, 0.7 मीटर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। कितना आ रहे हैं, 7 पॉइंट्स भी तो है, 7 पॉइंट्स। सो एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड इज 7.48 मीटर स्क्वायर। क्लियर। Doubts can be asked if any. Now the next one. Milan, done this question? Chalo, third batao fir. आपको गिवन है मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो क्या गिवन है ये, यस दिस इज द हाइट ऑफ द मेटल पाइप। अब पाइप कौन सी शेप में होगी, सिलेंड्रिकल शेप। सो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप 77 सेंटीमीटर। The inner diameter of a cross section is 4 centimeter and the outer diameter is 4.4 centimeter. So inner diameter to inner radius kitna aa jayega, let this be denoted by small r, this is 2 centimeter by 2 kar doge diameter ka, outer diameter 4.4। रेडियस कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, आउटर वाला बाय 2 कर दोगे डायमीटर का, तो दिस विल बी 2.2। चलो मिलन आप बैठो, सेकंड लास्ट बॉय जस्ट करन ना। चलिए आगे क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट है आपका फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। बेटा जो भी कोई बता रहे है ना, मुंह अपने बंद रखो प्लीज। हाँ जी, इतना ऊंची बोलो कि मेरे तक आवाज सुने। मास्क मैंने भी लगाया हुआ है, मैं बोल रही हूँ, लास्ट बच्चे तक आवाज सुन रही है मेरी। इनर, हाँ कैसे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इन कर्व्ड सरफेस एरिया। ये सिलेंड्रिकल शेप है, कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ ये वाला होता है।
अगर ये और ये ले लिया साथ में कुछ प्लस कर दिया तो वो आपका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। मुझे सिर्फ इस पोर्शन का निकालना है। क्या फॉर्मूला लगेगा? 2πRH। अब वैल्यूज बताओ क्या पुट करनी है यहाँ। कटिंग करके क्या आएगा? सेट डाउन। हरगुन है ना आपका नेम। चलिए सेकेंड पार्ट है हमारा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। आप निकालना कर्व्ड सरफेस एरिया ही है बट इनर की जगह आउटर है। फॉर्मूला 2πRH सेम रहेगा। आर कैपिटल ले लेना क्योंकि हमने आउटर वाला कैपिटल आर से डिनोट किया है। सो वैल्यूज लेट हिम टेल। इनटू चलिए क्या आएगा कट करके आप बताओ। 1064 बोथ द पार्ट्स क्लियर। सिंपली कर्व सरफेस एरिया निकालना था। डायमेंशंस हमें गिवन थी। हमने 2πRH फॉर्मूला यूज किया। आउटर वाले में आउटर वाला रेडियस पुट किया, इनर वाले कर्व सरफेस एरिया में इनर वाला रेडियस पुट किया एंड वी हैव गॉट द आंसर्स ऑफ द फर्स्ट टू पार्ट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया? हाँ जी क्या आउटर रेडियस क्यों? तो फिर अगर हम बाहर का निकालते हैं तो अंदर वाला भी रह जाएगा। आपको क्या गिवन है यहाँ पे? दोनों प्लस कर देंगे। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, जब हम इनर वाला एरिया निकालेंगे तो इनर टोटल सरफेस एरिया का मतलब आपको क्या समझ आता है? अंदर वाला सारा ले लोगे। हाँ जी फिर, और अगर बाहर वाला लेते हैं तो? बाहर वाला तो मतलब ये हो गया, अंदर वाला तो काउंट ही नहीं हुआ। वो हाँ यू कैन ड्रॉ द फिगर, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए देन ओनली आप कर पाओगे। नो हाँ जी इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस कैसे निकालेंगे? ठीक है क्या बन गया वो? हाँ जी हाँ क्या ए ऊपर टू ले लेंगे नीचे 2.2 ले लेंगे। आप मुझे एक चीज बताओ, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस आपके माइंड में क्या फिगर आ रही है? किस टाइप का सिलेंडर आपके माइंड में आ रहा है? पाइप कैसी होती है? बीच में से हॉलो होती है कि नहीं होती? होती है। अब जब हम इनर और आउटर रेडियस की बात कर रहे हैं तो फिगर किस तरह की आपको दिखती है ऊपर से? अगर मैं उसका टॉप व्यू देखूं तो मुझे क्या दिखेगा? वहां पे रिंग शेप दिखेगा कि नहीं? तो फिर क्या करें? टॉप फेस मुझे ये दिखेगा। ये पोर्शन मेरा कवर्ड है मेटल से,
और अगर मैं साइड व्यू लूं तो ये दिख रहा है। अब बताओ इसका मुझे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ ये वाला रिंग, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ये वाला रिंग, प्लस ये वाला आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा, ओके, एरिया ऑफ रिंग। पहले यहाँ लैंग्वेज में लिखो, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, वर्ड्स में क्या लिखूंगी, एरिया ऑफ टू रिंग्स, दो रिंग्स बन रहे हैं इस तरह के, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, एरिया ऑफ टू रिंग्स प्लस कौन सा, इनर अलग लेना है और आउटर अलग लेना। देखो जैसे मुझे ये गिवन है, अगर हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, पाइप की शेप हमने क्या कहा, दैट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है। अब जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, हॉलो है क्योंकि ये, तो इट मींस हमने ये अंदर वाला एरिया लेना है, ये बाहर वाला एरिया लेना है, प्लस एरिया ऑफ टॉप जो रिंग शेप में है, एरिया ऑफ बॉटम दैट इज अगेन इन द रिंग शेप, ठीक है। तो ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, देन एरिया ऑफ टॉप जो कि रिंग हमें इस तरीके से दिख रहा है, और एरिया ऑफ बॉटम दैट इज अगेन द रिंग जो हमें दिख रहा है, क्लियर। और जो रिंग दिख रहा है, रिंग का एरिया कैसे निकलेगा, दिस इज द एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे आप फॉर्मूलाज पुट कर दो, एरिया ऑफ टू रिंग्स है तो टू इंटू कर दोगे, ठीक है, 2 इंटू एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर सर्कल माइनस इनर सर्कल, दैट इज 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 आल्सो यू विल टेल, जितनी देर मुझे बातें करते दिखोगे उतने सारे क्वेश्चंस आप ही बताओगे, बातें मींस सब कुछ आता है। दोबारा देखो बेटे, ये रिंग का एरिया, एक तो पहले रिंग का देख लो, फर्स्ट रिंग का एरिया निकालने के लिए हमने क्या करना है, बड़े वाले स्क्वायर में से सर्कल में से छोटे वाला सर्कल क्या करना है, माइनस कर देना है, हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस पोर्शन, ठीक है। बड़े वाला देखो, ये सर्कल है आपके पास, बड़े वाले सर्कल में से अगर मैं छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या रह गया मेरे पास, शेडेड रीजन रह गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, पाए कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, पाए इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ऐसा एक रिंग ऊपर है और एक रिंग नीचे है तो क्या कर दिया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरिया ऑफ टू रिंग्स क्या आ गया, टू इंटू पाए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जब भी आपको एरिया ऑफ रिंग आता है तो एरिया ऑफ रिंग इज एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, बुक में बेशक लिख लो अपने, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल। अब यहाँ पे वापस आओ, ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी गिवन बाय 2 पाई आर एच, वैल्यू हम इसकी निकाल चुके हैं, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी 2 पाई कैपिटल आर इनटू एच मेन। अब हमने इसकी वैल्यू निकाल के जो प्रीवियस टू पार्ट्स में वैल्यूज निकाली है उनको एड कर देंगे, कैलकुलेशन जल्दी से बताइए क्या आएंगी, यहाँ वाली वैल्यूज कितनी आई थी बताओ जरा, इनर और आउटर वाली 968 10। चलिए सिंप्लीफाई करो इसको जल्दी से, ये सारा सॉल्व करके
ओवरऑल आंसर बताओ लास्ट. सो 20 की जो कैलकुलेशंस हैं दैट यू विल डू योरसेल्फ इन योर एक्सरसाइज 13.2 योर होमवर्क पार्ट्स आर क्वेश्चन नंबर 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 2 and 3 आर योर होमवर्क पार्ट्स. 13.1 का है क्वेश्चन नंबर 8.